आज हम एक न्यू चैप्टर रिवीजन में लेने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वन डे का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट करेंगे हम। मार्कर 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 पहले भी हम कर चुके हैं ऑल्दो लाइव क्लास में, लेकिन आज कुछ बातें और कुछ एक पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है, अरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। और एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ना एमलगेमेशन को ही दूसरा नाम है। कहीं आप एग्जाम में रिकंस्ट्रक्शन देख के और सारा इस हिसाब से मत करके आ जाना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसका नाम है जो अभी हम सीखेंगे, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, एमलगेमेशन वाला चैप्टर होता है। ठीक है ना। तो चलिए आइए, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या टॉपिक सीखना होता है। तीन पार्ट में बेसिकली ये चैप्टर डिवाइडेड है आपका। नंबर वन, आपको जर्नल करना है। नंबर दो, आपको एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है। और नंबर तीन, आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला जा सकता है। सर एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में एग्जामिनर ने स्पेसिफाइड कर देगा, हो सकता है जर्नल और ये आ जाए। अगर 10 नंबर का सवाल आया तो 15 का आएगा, तो तीनों को मर्ज कर देंगे। सर मैं बैलेंस शीट रिवीजन में किसी चैप्टर में मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम टेकिंग है। बैलेंस शीट के लिए आपको जो फाइनल अकाउंट है उसको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपने वो चैप्टर कर लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट और क्या चीजें माइनस करना चाहिए प्लस करना चाहिए। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया हुआ है पहले स्टार्टिंग में बैलेंस शीट के साथ। हाँ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जरूर बना लेंगे। सर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, री का मतलब दोबारा, जैसे कि हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना। नॉर्मली ये आया क्यों, क्योंकि अगर किसी कंपनी का मान लिया जाए, एक कंपनी है मान लेते हैं एस के टी लिमिटेड, और इस कंपनी के शेयर कैपिटल है 2 लाख, इस कंपनी के क्रेडिटर है 1 लाख, इस कंपनी के अंदर जनरल रिजर्व है 50,000, इस कंपनी के डिबेंचर है 2 लाख, तो टोटल देखा जाए लाइबिलिटी में कंपनी के 2 और 3 5 2 7 लाख 50,000। इस कंपनी में बिल्डिंग है 2.5 लाख के, इस कंपनी में डेटर है 2 लाख, इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 50,000, इस कंपनी में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 50,000, इस कंपनी के अंदर मान लिया जाए कैश का बैलेंस गिवन है तो 2.5 3 2 लाख। लाइबिलिटी कितनी है, 2 4 5 5.5, तो किसको 4 कर दें, डिबेंचर को 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया क्लियर। तो ये हमारा 7.5 लाख का एक मैंने आपको बैलेंस शीट दिया। पता नहीं मार्कर बहुत लाइट चल रहे हैं, तो आपके सामने देखिए क्या है, ये एक बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर
कंपनी के लॉसेस भी है, मैं एक काम करता हूं इसको 1 लाख कर देता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस या इसको 50,000 कर देता हूं ताकि थोड़ा और बेकार बैलेंस शीट आपको लगे, है ना। इस कंपनी के अंदर लॉस है। नाउ इस कंपनी के पास काफी सारे चैलेंजेस है। नंबर वन, कंपनी लॉस में चल रही है, सबसे बड़ा चैलेंज। नंबर दो, कंपनी जो है लॉस में इसलिए जा रही है क्योंकि उसे खूब सारा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो चाह रही है मैं अपने कर्जा का पेमेंट कर दूं तो शायद कुछ फायदा हो जाए। नंबर तीन, कंपनी के पास पहले से इतना लॉस इकट्ठा हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस के कोई इसे बैंक लोन भी नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से करने के लिए एकमात्र तरीका बचता है। क्या तरीका बचता है? उसके पास कुछ पैसे आ जाए और रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। जैसे मैं बात करूं वोडाफोन और आइडिया वीआई, आप देखोगे कि वीआई जो है वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुए तब उस टाइम पे सर्विस थोड़ी बेहतर आ गई थी, हर जगह एड आने लग गया था, सब कुछ आने लग गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वीआई डाउन जाता जा रहा है और हर एक पर्सन जान रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि वीआई एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, एक दिन बंद हो जाएगा। आप सभी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि एयरटेल तो फिर भी सरवाइव कर रहा है और जियो दोनों तो चल रहे हैं, लेकिन आप सब भी जानते हैं कि वीआई आज नहीं तो कल हो सकता है कि बंद हो जाए। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वीआई का अपना 5G नहीं है, अभी तक 5G नहीं आया, वीआई के नेटवर्क नहीं है इतने अच्छे। ठीक है ना, मेनली तो नेटवर्क और इंटरनेट डेटा पे ही मोबाइल कम्युनिकेशन चलते हैं, जो सबसे फास्ट दे देगा और सबसे अच्छा नेटवर्क दे देगा, एक मिनट में कस्टमर स्विच हो जाएगी करके। अब इन दोनों काम के लिए इसे हजारों करोड़ रुपए की जरूरत है और पहले से ही ये कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है और इसके ऊपर बहुत सारा सरकार के, गवर्नमेंट के ड्यूज भी है, टैक्सेस भी पेंडिंग है। तो इस कंपनी का, इसी को देख के मुझे लगता है कि इसका रिवाइवल होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर सरकार चाहे इस कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जा सकती है, दोबारा कंपटीशन में तैयार कर सकती है। सरकार बोल दे कि भाई जितने भी तुम्हारे पुराने ब्याज बैंकों के से वो सब हम भर देंगे, माफ कर देते हैं। सरकार बोल दे जितने भी टैक्सेस के तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाए गए थे, जो तुम अपने लाइबिलिटी में सारे टैक्स वगैरह लेके घूम रहे, वो सारा हम पेमेंट कर देंगे। सरकार बोल दे कि हम तुम्हें 50,000 करोड़ रुपए और दे रहे हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और नेटवर्क भी आप हमसे ले लो, आपको कंसेशनल रेट पे दे देंगे और इसके पैसे किस्तों में दे देना, आप 5G बैंड का नेटवर्क खरीदना पड़ता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वोडाफोन तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, नेटवर्क भी अच्छे आ जाएंगे, इसको टेंशन भी नहीं होगा, कंपनी में लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इन कारणों की वजह से कंपनी रिवाइव नहीं करना पड़ता और कंपनी का बैंक करप्सी होना या कंपनी का बंद हो जाना माना जाता है कि एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है पब्लिक के बीच में। आज पता चल जाए रिलायंस बंद हो गया, कल पता चल जाए टाटा बंद हो जाए, परसों पता चल जाए SBI बंद हो गया, तरसों पता चल जाए ICICI खत्म हो गया, तो आपके माइंड में क्या होगा? अरे बैंक में पैसे नहीं रखना, पहला नेगेटिव थॉट। दूसरा, भाई कंपनी वंपनी के चक्कर में मत पड़ो, ये सब तो जब मर्जी आएगी जब मर्जी बंद हो जाएगी, तो थॉट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि पिक्चर को अच्छा करना। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लिखा है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले तुम अपनी अंदर में ही लोगों से बातें कर लो और उनसे अपने बैलेंस शीट के बारे में कुछ कुछ पूछ लो, उनसे अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होगी, जिसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इन सब चीजों के लिए मुझे लॉस के लिए तो चलो क्या करना है, इंटरेस्ट के लिए मुझे बात करना होगा किससे, डिबेंचर होल्डर से, मुझे क्रेडिटर से भी बात कर लेना चाहिए और इन सभी को देखते हुए। तो हम इससे जब बात करेंगे ना, तो हम डिबेंचर वाले से क्या बात करेंगे, भाई तेरा 4 लाख का कर्जा, एक काम कर तू मुझे बोल 5 लाख देंगे, ऐसा बात करेंगे क्या? उससे क्या बोलेंगे कि भाई 4 लाख रुपए का कर्जा है, ये कर्जा देखो मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा
और इंसॉल्वेंट की सच्चाई देखो तो इंसॉल्वेंट में पैसे कितने मिलेंगे, ढाई और तीन और दो, 5 लाख रुपए पड़े हैं हमारे पास, पर अकेला 4 और 1 5, 5 लाख रुपए ये कर्जा और ये बिल्डिंग वगैरह भी इतने का तो बिकेगा ही नहीं। डेटर भी, अब डेटर भैया दिख रहा है 50,000 कहां मिल जाएगा ये। तो ऐसे सिचुएशन में हम सारे एसेट्स को बेच दे तो मान लेते हैं मोटा मोटी 4 लाख आएगा और कर्जा का पेमेंट कितना करना है 5 लाख। तो भाई तुम्हें तो वैसे भी अगर मैं, आप मुझे परेशान करोगे तो आज मैं कंपनी बंद कर दूं तो वैसे भी तुम्हें पैसे नहीं मिलने। और भाई शेयर कैपिटल मालिक तुम तो बर्बाद पहले से ही हो, तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि तुम्हारा नंबर कब आएगा, सबसे लास्ट में है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम इससे बिठा के बात करेंगे, देख भाई तेरे को पैसे अगर चाहिए हम देंगे, अभी तू मेरे से 2 लाख रुपए ले जा और हम कंपनी बंद कर रहे हैं, तू भी कुछ नहीं कर सकता, हमारा कंपनी जब बंद हो जाएगी तो तू कहां कोर्ट कचहरी जाएगा, कहां केस वेस के चक्कर में पड़ेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, एक काम कर तू अपना कुछ कर्जा मेरे ऊपर कम कर दे, तुझे मैं मान लेता हूं कि तुझे मुझे 2 लाख देना है और इन फ्यूचर में पैसे कमाएंगे तो ब्याज व्याज तो दूंगा ही और पैसे भी लौटाऊंगा, तो तेरा कर्जा मैं कितना मान लेता हूं 2 लाख। क्रेडिटर को बोला भाई क्रेडिटर तेरा कितना है 1 लाख, एक काम कर तू भी थोड़ा अपना ना क्रेडिटर सामान इतना प्रॉफिट कमा के बैठा था तो कुछ थोड़ा सा तू भी मदद कर, तू अपना क्रेडिटर मान ले 50,000 हो गया, ठीक है तू अपना क्रेडिटर मान ले कितना हो गया 50,000। यानी हम बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं सर, डिबेंचर होल्डर से, कि भाई तू अपना कर्जा जो 4 लाख है ना तू मान ले 2 लाख है और तू जो 1 लाख है तू मान ले कितना है 50,000। बोला इक्विटी शेयर कैपिटल बंद कर दे, खाली हाथ जाएगा, बोला भाई बंद करो वैसे भी खाली हाथ जाना है, नहीं करोगे वैसे तो, बोले ठीक है तेरा 2 लाख रुपए हम एक बार मान लेते हैं कि तेरा 20,000 रुपए का कैपिटल बचेगा बस। बोला अब जहां 0 थे वहां कम से कम मैं किसी को बोलूंगा तो इस कंपनी के अंदर मेरे शेयर है, अगर कंपनी बंद हो गई तो मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता मेरे इस कंपनी के अंदर शेयर है, ठीक है भाई 20,000 ठीक है। तो देखा जाए हमने अपने लाइबिलिटी का बोझ कम कर लिया, कितना कम कर लिया सर 1,80,000 ये कम कर लिया और 50,000 ये कम कर लिया और 2 लाख ये कम कर लिया। टोटल के मामले में देखा जाए तो 1,80 और 50 कितने हो गए 2,30 और 2,30 के बाद 4,30,000 रुपए का हमने अपने सर पे से लाइबिलिटी साइड को थोड़ा हल्का कर लिया। सर अब एसेट साइड में जब हम सब चीज देख रहे हैं तो एसेट्स बिल्डिंग हमारा 3 लाख का हो चुका है, डेटर भाई सिर्फ 10,000 का ही बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस अब इसको 0 कर देंगे, मतलब हम अपना लॉस मानेंगे ही नहीं, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब नई बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर लॉस नहीं होगा तो हम किसी से भी लोन लेने जाएंगे पैसा लेने देंगे जाएंगे तो वो हमें इजीली दे देगा। अगर आपको पहले से ही लॉस दिखे प्रॉफिट एंड लॉस इसमें, मैं बोलूं भैया लोन चाहिए, बोले तेरे पहले से लॉस हो रहा है हम लोन देंगे तो हमारा भी पैसा डूब के लॉस में तू कन्वर्ट कर देगा यहां पे, तो फिर वो नहीं होगा। डिस्काउंट भाई ये अननेसेसरी का एसेट्स है, इसको भी 0 करो। यानी कुछ एक ऐसी चीजें होती है जिनको हमें ऑटोमेटिकली 0 कर लेना होता है। सर किन चीजों को, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को, चाहे सवाल में बोला जाए चाहे ना बोला जाए, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या फैक्टिशियस एसेट्स या वैल्यूलेस एसेट्स को हम 0 कर लेते हैं। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कौन सा होता है, अंडरराइटर कमीशन एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। ओके सर कैश, कैश को तो हम छेड़ नहीं सकते, अगर मैं बोलूं कैश को कि भाई कैश कम हो जाएगा इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो कुछ हमने एसेट्स को भी घटाया और कुछ हमने लाइबिलिटी को भी घटाया। तो जो हमने इस लाइबिलिटी को इतना घटाया ये हमारा क्या हो गया फायदा, ये क्या हो गया, और कुछ एसेट्स को घटाया ये क्या हो गया हमारा नुकसान। और आपको पता है फायदा क्या होना चाहिए और नुकसान क्या होना चाहिए, डेबिट, गोल्डन रूल है भाई, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, उनको क्रेडिट करते हैं, तो बचपन में सीखा हुआ है आपने सारी चीजें, तो क्रेडिट और डेबिट। अब अगर हम बात करते हैं जर्नल एंट्री का, पहला पार्ट क्या सीखेंगे जर्नल, उसके बाद क्या सीखेंगे रिकंस्ट्रक्शन, लास्ट बैलेंस शीट में आपको खुद करना पड़ेगा। तो पहले हम जर्नल की बात कर लेते हैं, तो जर्नल में अगर मैं सेंटेंस इसी को मैं थोड़ा सा इतना क्वेश्चन एग्जाम के बाईस में बना दू ना तो पता है मैं क्या बोलूंगा, पहला क्या करना शेयर कैपिटल घटा दिया आपने
इसको एग्जाम में पता है कैसे लिखेगा एग्जामिनर आपको बताने के लिए किस टाइप से लिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 20,000, ऐसे लिखेगा वो कि जो इक्विटी शेयर है उसको रिड्यूस कितना कर दो, 20,000 तक, यानी 20 का रह गया। दूसरा भी लैंग्वेज लिख सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय 180। साहब दोनों का मतलब सेम ही है, बच्चा उलझ जाता है कभी कभी इसमें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मैंने बोला 1,80,000 से घटा दो तो बचे कितने, 20,000, या फिर मैं बोल दू 20,000 रहने दो तो भाई घट कितने गए, 1,80। ठीक है, एक तो ये बोलेगा। सर ये क्रेडिटर बोलेगा, क्रेडिटर के लिए कैसा सेंटेंस यूज करने वाला है, मैं सारे सेंटेंस भी लिख रहा हूँ जो कि बुक के अंदर यूज होगा यूजुअली। इसके लिए कैसे बोलेगा, साधारण लैंग्वेज में, क्रेडिटर रुपीस 50,000 फोरगो, या तो चला गया या वेव ऑफ, ठीक है, या राइट ऑफ, ऐसे बोल देगा के, या तो आपका 50,000 बोल सकता है या फिर आपको परसेंटेज में दे सकता है ये कि 50% क्रेडिटर वेव ऑफ हो गए या 50% क्रेडिटर राइट ऑफ हो गए, ठीक है ना, बोल सकता है ये। इसके बाद देखा जाए डिबेंचर के बारे में क्या बोला जाएगा, सेम लाइन डिबेंचर के बारे में बोल दिया जाएगा कि डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस, एग्री रिड्यूस टू कितने दिए थे भाई, 2 लाख, 2 लाख, या डिबेंचर होल्डर एग्री टू गिव अप हिज राइट अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए तक अपने राइट छोड़ देगा। यानी इस सवाल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर भैया कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, अभी देखोगे जनरल एंट्री फटाफट हो जाएगा, लैंग्वेज मुश्किल है, लैंग्वेज समझना पड़ता है, वहां पे ट्विस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये दो चीजें का मतलब एक ही है, तो ये लैंग्वेज आप ज्यादा नहीं, कम से कम 15 से 20 आपको एडजस्टमेंट अगर आप देख के और उसके एडजस्टमेंट को दिमाग में याद कर लेते हो या समझ जाते हो कि ऐसे बोला हुआ है तो इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं बचता ज्यादा। अब जनरल एंट्री करते हैं, एसेट्स के बारे में भी लिख देगा, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाय 50,000 या एप्रिशिएट टू 3 लाख, ये भी हो सकता है, और कह देगा डेटर रिड्यूस या बैड डेट्स रुपीज 40,000 रुपीज, तो आपको पता चल गया भाई बैड डेट्स 40 बच गए तो कितने बचे, 10 बचे। बोल सकता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, अगर ये लाइन बोलता हूं तब भी करना है, नहीं बोलू तब भी करना है। अब जनरल एंट्री पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले फायदा जब होगा हमारा ना, फायदा होगा तो ये सीधा सीधा कनेक्ट, हम फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में ना भेज के हम कहां भेज देंगे, रिकंस्ट्रक्शन में, या फिर एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन। हर एक किताब में अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, या तो आप रिकंस्ट्रक्शन यूज कर लो जिस जगह पे फायदा हो रहा है, या फिर कैपिटल रिडक्शन यूज कर सकते हो, और नुकसान के लिए भी क्या यूज करोगे, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जनरल एंट्री देखते हैं, अब हम लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, किसको कम कर रहे हैं, हम अपने शेयर्स को कम कर रहे हैं, तो साहब जब अपने शेयर्स को कम कर रहे हो तो शेयर्स के केस में क्या करना है, पहले सारे पुराने वाले शेयर्स को बुला लो, तो सारे पुराने वाले शेयर्स को बुला लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से वाला है सर, ये ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला कितने का था सर, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने का, 2 लाख रुपए का, और टू अब इसको नया शेयर दे दो, इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से वाला सर, न्यू, न्यू बोला कितने का मिलेगा सर, मात्र 20,000 का, और फायदा हो गया इसलिए इसको मैच कर दो किससे, रिकंस्ट्रक्शन से, रिकंस्ट्रक्शन से कितने का, 1,80,000। बींग मैं लिखूंगा नहीं, मेरे पास स्पेस है नहीं, मैं बोलता जाऊंगा, जिसको नहीं पता बींग वो बींग पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, बींग लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय या रिड्यूस टू दिस, जितने भी 2 लाख दे रखा है। पहली एंट्री क्लियर है आपको, कैसे करा हमने इसको, क्या करा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है
और लाइबिलिटी में से कुछ भी चीज आपको बोलू ना इसको निकाल के हटा दो तो हमेशा आप क्या कर देना अकाउंटिंग में डेबिट कर देना आप। सिंपल सी बात है, मैंने रिजर्व निकाल लो इतने सारे चैप्टर में मैं क्या करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, क्योंकि मैं यहां से रिजर्व निकाल लेता था और क्या क्रिएट कर देता था मैं CRR। दूसरा क्रेडिटर को निकालो यहां से, अब क्रेडिटर के केस में जितना आपको फायदा हुआ है वो लेना है सिर्फ, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर, निकाल लिया कितना क्रेडिटर निकालना है, अकाउंट डेबिट ओनली 50,000 और मेरा फायदा हो गया तो रिकंस्ट्रक्शन। और सर एंट्री आगे पीछे हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, कहीं आप एग्जाम के अंदर सोचो यार ये तो रह गया ये तो पहले पहले बाद का कोई चक्कर नहीं होता अकाउंट्स के अंदर, मेनली सिर्फ डिबेंचर वाले में कुछ डेटेज हैं, बाकी आपके कहीं भी कोई डेट का कोई पंगा है ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं सर, आने के बाद अगला क्या हुआ हमारा डिबेंचर होल्डर, तो आ लेते हैं बुला लेते हैं डिबेंचर, कितने रुपए का छोड़ने को तैयार हो गया 2,00,000 और ये भी फायदा। ज्यादातर क्रेडिटर से बेनिफिट होगा, इसका बीइंग क्या होगा क्या क्रेडिटर रिड्यूस, इसका डिबेंचर होल्डर रिड्यूस, ठीक है। ये तीनों फायदे हुए थे और इन तीनों फायदे को मैंने बारी बारी जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। बताओ जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एसेट्स के साइड भी चल लेते हैं, रुक कर लेते हैं सर। एसेट्स के साइड देखा गया तो क्या है सर हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है तो मैंने कहा था भैया बिल्डिंग बढ़ाओ, तो भैया अगर एसेट साइड में कोई चीज बढ़ाने की बात करूंगा प्लस करने की तो डेबिट ही करना, और एसेट साइड से बोलूंगा निकाल दो तो क्या कर दूंगा माइनस, तो मैं यहां करूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। सर कितने रुपए का 50,000, जितने रुपए से बढ़ रहे सिर्फ वो लिखेंगे। शेयर्स के केस में और प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या करते हैं हम पुराने वाले को ले लेते हैं उसके बाद हम टू बी कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग के बाद देखते हैं हम डेटर, डेटर भैया घट गया तो डेटर को क्रेडिट करेंगे, नुकसान हो गया रिकंस्ट्रक्शन, टू डेटर, टू डेटर कितने रुपए का सर 40, चालीस का, ठीक है। इसके बाद इनको बोला गया राइट ऑफ कर दो, जीरो कर दो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट और इनको निकाल के जीरो करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस और टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर सॉरी, तो कितने रुपए होंगे सर 50, 2,00,000 और 50, तो 2,00,000 ये हमने क्या कर लिया इसका जर्नल एंट्री। लेकिन अभी जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक जर्नल एंट्री और करना पड़ता है जो अपार्ट ऑफ क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन के हिसाब से तो कर लिया, दोबारा देखिए क्या करें, जब फायदा हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जब नुकसान हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है क्लियर है सर। अब इसके बाद हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा जो हमने ये काम काज किया है रिकंस्ट्रक्शन किया है इसकी वजह से हमें नेट में कुछ फायदा भी पहुंचा या हमारे एसेट्स भी कम हुए, लायबिलिटी बराबरी पे ही हो गए, क्योंकि ये भी चेक करना होगा। तो हम अगर चेक करें तो हमारा फायदा कितने का हुआ था 3,00,000 का, और हम नुकसान कितने का करके बैठे हैं एक बार अंदाजा लगा लेते हैं, नुकसान में, नुकसान में फायदा 3,00,000 का था, 4,80,000 का होगा ना, मैं दोबारा फायदा लिख देता हूं, ये तो लाइबिलिटी का फायदा था, मैं फायदे की बात कर लेता हूं, फायदा प्रॉफिट सर एक तो इससे 1,80,000 बच गया था हमारा सर, क्रेडिटर से 50 मिल गए थे सर, डेटर से 2,00,000 डिबेंचर से 2,00,000 बच गए थे सर, एसेट्स हमारा बढ़ गया कितने का 50 का, तो टोटल देखा जाए तो 1,80,000 4,80,000 आ गया है ना। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं जितने भी क्रेडिट किए ये सारे फायदे हैं, देखो यही अमाउंट लिखा है मैंने, चेक करो चार अमाउंट लिखा है, चारों अमाउंट ये फायदा हो गया। नुकसान की बात करते हैं, नुकसान कितने हैं 1, 2, 3 नुकसान की बात कर रहे हैं, तो नुकसान अगर मैं देखूं तो नुकसान कितना हो रहा है सर, नुकसान एक हो गया 40,000 रुपए डेटर में और एक नुकसान हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 2,00,000 और 50,000, तो देखा जाए तो हमारा कितना हो गया 2,90,000, नुकसान कितने का हो गया 2,90,000, 4,80,000 का फायदा और 2,90,000 का
नुकसान, तो नेट में अभी भी आप सरप्लस में हो, कि फायदा अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है और नुकसान अमाउंट कम आ रहा है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना बन रहा है हमारा, 1,90,000 का, कितने का बन रहा है, 1,90,000। तो इसके साथ अपार्ट ऑफ दिस एक एंट्री और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, और इस पैसे फायदे को पता है कहां भेज दोगे, कैपिटल रिजर्व में 1,90,000। इस फायदे को कहां भेज दोगे सर, 1,90,000। ये थी पूरी कहानी किसकी सर, जर्नल एंट्री की। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टफ से टफ एडजस्टमेंट है एक स्लाइड पे लेके उसका मैं बता दूं कि ये रिकंस्ट्रक्शन, ये फायदा हो रहा है, इतना फायदा, इतना नुकसान, जो टफ था, ज्यादा नहीं टफ था, मैंने करवाया, मुझे पता है 8 से 10 एंट्री ऐसी है जो कि टफ है, बाकी सब तो वही कहता है कैपिटल रिड्यूस हो गया, डेटर जा रहा है, क्रेडिटर छोड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करो, मिला जुला के कुछ एक पॉइंट ऐसा है, 3 से 4 पॉइंट, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसपे आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहां तक देखिए आपको क्लियर हुआ ये सारा, क्लियर है ये रिकंस्ट्रक्शन, पॉइंट यही है, रिकंस्ट्रक्शन का मेन कंसर्न यही है, इसलिए मैं कहता हूं सर आप 1 घंटे भी अगर ढंग से बैठ जाओ ना इस चैप्टर को लेके, और अगर ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा चैप्टर के अंदर क्या कहानी चलने वाली है, और एक भी चैप्टर क्या होने वाला है तो वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, दूसरा पहला पॉइंट डन कर दिया हमने, दूसरा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे सिंपल, और काइंड ऑफ मेजर किसी भी लॉस समझ के बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बोल देते हैं जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, वही डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह वही चीजें लिखा जाएगा यहां पे, जैसे यहां पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये लिख लिया। अब बड़ी सीधी सी बात है, हम एंट्री को देखते जाएंगे और एंट्री से बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन है यहां पे, अगर फायदा है इधर की साइड नुकसान को लिख देना, और इधर की साइड क्या लिखना, प्रॉफिट। इसमें किस एंट्री से क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, और किसकी वजह से, इक्विटी शेयर, तो बाय, और अमाउंट आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कितना, फायदा कितने का हुआ, 1,80। थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूं लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। अब आगे इस एंट्री से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो किधर जाएगा सारा फायदा, बाय में, बाय क्रेडिटर, कितने का, 50,000 का। इस एंट्री से क्या हुआ है, फायदा हुआ है, किस साइड लिखेंगे, बाय में लिखेंगे, बाय डिबेंचर, कितने का फायदा हुआ, 2,00,000 का। इस एंट्री से क्या हुआ है, फायदा हुआ है, किधर लिखेंगे, बाय में लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, कितने का बिल्डिंग, 50,000 का। इस एंट्री से क्या हुआ है, नुकसान, नुकसान 2 में लिखेंगे, किस वजह से हुआ है नुकसान, डेटर, कितने का नुकसान, 40,000। इस एंट्री से क्या हुआ है, नुकसान, लेकिन यहां नुकसान में 2 लोग भागीदारी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी और ये भी, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को अलग और 2 डिस्काउंट को अलग, जो कि 2,50,000 है। इस तरीके से जब आप टोटल करोगे तो ये तो आ जाएगा 4,80,000 और ये भी आ जाएगा 4,80,000। इधर डिफरेंस निकलेगा, इस डिफरेंस को किससे मैच कर दोगे सर, कैपिटल रिजर्व से, जो कि निकल के कितना आने वाला, 1,90,000। यानी कहीं ना कहीं जो ये वाली एंट्री हमने क्रिएट की है ना, आप इस एंट्री को यहां से भी क्रिएट कर सकते हो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने के बाद। अब मैं नई बैलेंस शीट की थोड़ी से बता दूं कि नई बैलेंस शीट बन कैसा रहा होगा। अब नई बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं, मैं पुराने वाले के अकॉर्डिंग बनाऊंगा नए बैलेंस शीट, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको एज पर शेड्यूल 3 बनाना होगा। ठीक है, जगह तो बची नहीं, चलो यहां बना लेते हैं, यहां दिख जाएगा, रफली आइडिया दे दूं ताकि आपको पता चल जाए नई बैलेंस शीट में क्या होने वाला है। ठीक है, एक रफली आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं एक रफली आइडिया देता जा रहा हूं बैलेंस शीट में क्या होगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, कितने होंगे साहब इक्विटी शेयर कैपिटल, मात्र, क्योंकि सब तो गए, इसके बाद क्रेडिटर होगा, जी होगा, कितने होंगे क्रेडिटर, 50,000। इसके बाद डिबेंचर होगा, कितने होंगे डिबेंचर, कितने, 2,00,000। हालांकि टेक्निकली मेरे से कोई बच्चा बोले ना, आर्ग्यूमेंट करता है सर आपका क्वेश्चन गलत है, जी हाँ मेरा क्वेश्चन गलत है, जनरल रिजर्व में पैसा होना नहीं चाहिए, मैंने बैलेंस शीट बनाने के लिए डाल दिया, क्योंकि जब कंपनी नुकसान में तो जनरल रिजर्व कहां से आएगा आपका, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए डाल दिया, तो चलो जनरल रिजर्व भी डाल देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं बस, कितने, 50,000। उसके बाद और क्या रह गया,
सब हो गया। और एक आपने जो सीआर एंट्री क्रिएट किया है, इसे मत भूल जाइएगा, इसे मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं। क्या क्रिएट किया आपने? सीआर कितने का? 190 का, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लाइबिलिटी पहले था वो सारा लाइबिलिटी तो आएगा आएगा, उसके साथ कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री क्रिएट होगा वो भी। अब एसेट साइड में आ जाते हैं, क्या है सर? बिल्डिंग है कितने का हो गया? 300,000 का। सर डेटर है कितने का हो गया? सर डेटर हो गया 10 का। और सर कैश कितने का है? वो तो 200,000 का ही है, और कुछ भी हुआ क्या? बस चलिए टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया? 420,000। इधर का भी टोटल करिए, क्या 420,000 हो पा रहा है? नहीं हो रहा, ऐसा कैसे? 420,000 नहीं, 510,000 सही है। 300,000, 200,000 और ये 10,000 है, ठीक है। 510, देखिए 510 हो पा रहा है। जी हाँ, बच्चों ने जवाब दे दिया है कि 510 हो पा रहा है। ये बन गई बैलेंस शीट। लेकिन ये मैंने बैलेंस शीट कैसे बनाया? एक रफली बनाया। आपको कैसे बनाना है? शेड्यूल के हिसाब से। जब शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो शेयर कैपिटल का नोट बनेगा। शेयर कैपिटल का नोट बनेगा तो वहां पे पहले पुराना शेयर लिखा जाएगा, उसमें से माइनस किया जाएगा रिडक्शन, और उसके हिसाब से सारा एडजस्टमेंट। क्योंकि ये सारी बातें को जो मैंने करा है यहाँ पे, आपको नोट्स के अंदर ही माइनस प्लस करके बना के फिर दिखाना होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन देखे ना, जो बच्चा इस चैप्टर से ढंग से सीख लेता है, उसके बाद मैं कुछ एक एडजस्टमेंट करा दूंगा, आप सीधा क्वेश्चन को जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आज एडजस्टमेंट बना लूंगा और सारे के सारे एडजस्टमेंट को मैं सॉल्व करके बता दूंगा। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा कि 20% क्रेडिटर गिव अप एंड रिमेनिंग 30% रिसीव कैश, बैलेंस सेम एज बिफोर। तो उसमें क्या क्या मैंने बोल दिया, ये किसको कहाँ जाना चाहिए, किसको बैलेंस शीट में जाना चाहिए, किसको प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिकंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए, कितना माइनस होगा। यही 8 से 10 मुश्किल से तो 10 से 12 एडजस्टमेंट हो सकता है, 20 तो हो ही नहीं सकता। तो 10 से 12 एडजस्टमेंट का एक मैं वीडियो बना के फिर मैं करा दूंगा, और जब वो मैं करा दूंगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों का कहना है कैसा सरेंडर ऑफ शेयर्स हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे ऐसा कोई क्लेरिटी नोटिफिकेशन नहीं है जो 10 ईयर में सिलेबस दिखाना चाहे भाई। और कुछ बच्चे कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा या नहीं आएगा। आप सभी को मैंने बोला कि भाई 10 ईयर ले सकते हो पढ़ने के लिए, 10 ईयर में आपको गिवन है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, कहां गया सर? एमलगेमेशन कहता है कि अकाउंटिंग ड्राफ्ट आ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सक्लूडिंग द ड्राफ्ट ऑफ इंटरनल एक्सक्लूडिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अकाउंटिंग फॉर ड्राफ्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सिर्फ इसमें बोला गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ड्राफ्ट करना, एक्सक्लूडिंग ड्राफ्टिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। शायद मेरे यहां से कुछ एरर है टाइपिंग, वहां से बुक उठाना, बुक में गिवन होगा, लेटेस्ट वाली बुक देना। यहाँ पे शायद सरेंडर ऑफ शेयर होगा, कोई भी बुक उठा लो। हाँ ये सर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिविजन, हाँ ये लिखा है। अब पता नहीं भगवान जाने डी वाले क्या खा के लिखते हैं। हमने क्लियर तो किया नहीं, इसमें भी नहीं है, सिलेबस में भी ही लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं लग रहा, और मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे तो नहीं लग रहा क्लियरिटी, आपको लग रहा हो तो आप देखिए। इसमें कहता है कि अकाउंटिंग करो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग डिफरेंट फॉर्म, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक सरेंडर होता है, एक्सक्लूडिंग ड्राफ्टिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। मतलब बैलेंस शीट शायद ना पूछे, ये कहना हो सकता है, इसका क्लियरली नहीं बताया, ठीक है। अब कुछ बच्चों का बोला था सर आप मुझे एक बात बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ लिखा है, तो आप जब देखोगे ना यूनिट नंबर 2 तो वहां लिखा है प्रिपेयर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग द 1% कंपनी। अब ये 1% कंपनी का भी बनाना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी 1% कंपनी का हो चाहे कंपनी का बनता वैसे ही है, बच्चा कंफ्यूज होने वाला हो सकता है। शेड्यूल 3 रिलेटेड टू AS 18 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी रह रहा है, छोटा सा है, 10 मिनट का टॉपिक है, वो मैं बता दूंगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है मैनुअली यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का काम आपके नैब में हो सकता है, रेगुलर वालों के लिए आपका नहीं है। और इंटरप्रेटिंग द रेशियो कैलकुलेटर स्पेशल शेड्यूल,
और रेशो भी कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैंने रेशो के भी कुछ सवाल डाल दिए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट करा दिया है, क्योंकि डीयू वाले सिलेबस तो ढंग से लिखते नहीं है, सीधा सीधा लिख देते हैं, ये चक्कर है, बच्चों पढ़ लेना, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो सीधी बात रहती हो। आगे कहता है इंटरप्रिटिंग रेशो शेड्यूल थ्री विद रेफरेंस ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, और किसी के ऊपर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस आ रहा है तो वो, और कैलकुलेशन ईपीएस, ईपीएस को अलग से हाईलाइट किया कि भैया एएस 20 अलग से पढ़ लेना, इस पे जो हम अलग से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो भैया कैश फ्लो भी आपका सिलेबस में है, अगर जहां तक हम पढ़ रहे हैं वहां तक हमें पता चल रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, आज हमने होपफुली जितने भी बच्चे हैं, मैं वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ और मैं आपके एप्लीकेशन पे भी दे रहा हूँ, एप्लीकेशन में तो सर आप लाइव ही हो, जो मर्जी आप पूछ सकते हो, वैल्यू एडिड स्टेटमेंट 10 ईयर का क्वेश्चंस, हाँ ठीक है मैं 10 ईयर का क्वेश्चंस बता दूंगा वैल्यू एडिड स्टेटमेंट का किस तरीके से करना है, तो लाइव वाले बच्चे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो भी मैं ये डाल दूंगा। तो इसको रिविजन करिए, यूनिट वाइज देखिए, मैं हर बार बता रहा हूँ पहले यूनिट में कितने चैप्टर करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए मैंने बता दिए एक प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, दूसरे यूनिट में से भी बता दिया, तीसरा यूनिट भी बता दिया, फोर्थ यूनिट में भी, ये फोर्थ यूनिट का पार्ट है, तो इसमें से इंटरनल रिट्रोस्पेक्शन इतना, जिसमें 45 मिनट क्लास हो गई मेरी, 45 मिनट जिसने ध्यान से मेरे इस ट्रांजेक्शन को करते हुए देखा होगा, अगर ध्यान से देखा होगा और उसे थोड़ा भी उसके अंदर नॉलेजेबल है, 12th के अंदर अच्छा रहा होगा, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस चैप्टर को वो छोड़ करके जाए। मेरे पास ना कॉल आते हैं काफी बच्चों के, सर मैं सोच रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोड़ दूं, और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले करा ही नहीं है, एक बार करके ही नहीं देखा, जब एक बार वो कर लेंगे और बाद में अगर पता चलेगा, जो बच्चा छोड़ के जाएगा और बाद में पता चलेगा अरे यार ये तो मैंने बेकार में छोड़ दिया, ये तो करके जाना चाहिए था हमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये एमलगेमेशन थोड़ा टफ है, लेकिन उसमें पीसी निकालना आसान है, पीसी निकाल सकते हो वहां पे, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और बायर की बुक आसान है उसमें, एमलगेमेशन में भी ध्यान दो, तो उसमें जनरल एंट्री होता है, पहले क्या करते हैं हम, वो तो जब चैप्टर होगा सिंपल सी बात है, परचेज कंसिडरेशन और फिर बायर की बुक करते हैं। यूनिट 6 यूनिट 5 बहुत आसान है, कल हमने करीब 45 मिनट या 50 मिनट की कल क्लास हुई होगी, लगभग 50 मिनट में हमने 95% 5th यूनिट को खत्म कर लिया। क्या क्या था, XBRL था सर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या था, एनुअल रिपोर्ट था, एनुअल रिपोर्ट के बाद क्या था, CSR था, और दो चीजें रह गई क्या सर, एक बोर्ड रिपोर्ट रह गया हमारा, और एक हमारा वैल्यू एडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही थोड़ा सा पार्ट है, वो रह गया हमारा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज लॉ की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, एक चैप्टर जो शेयर कैपिटल का था वो खत्म हो गया, वो अभी डल जाएगी थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप इसको रिवीजन करिए, 10 ईयर से क्वेश्चंस उठा के करिए, सीधा इजीली हो जाएगा।